आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, ए कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स फॉर ₹10 ईच शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, पेबल एज अंडर: ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2.5 ऑन फाइनल कॉल। Application were received for 75,000 equity shares. The share were allotted on the pro rata to the applicants of 70,000 share, the remaining application being rejected. Money overpaid on application was utilized toward the sum due on allotment. A, to whom 1,200 share were allotted, failed to pay the allotment and calls money. B, to whom 1,800 share were allotted, failed to pay two calls. These shares were subsequently forfeited after the final call was made. All the forfeited share were sold to Rajesh as fully paid up at ₹11 per share. Prepare cash book and journal entries required to record the above transaction. Let's start the solution. क्वेश्चन में जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्री उसे हम कैशबुक के अंदर पोस्ट करेंगे, उसकी हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहली जो हमारी एंट्री होगी वो कैशबुक के अंदर होगी, जो कि होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो यहाँ पर कैशबुक जो है डेबिट होगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से होगी यहाँ पर 75,000 शेयर जो है एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ, ₹4 के हिसाब से। तो यहाँ हमें एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ 3 लाख। 5,000 शेयर जो थे हमने रिजेक्ट कर दिए थे, तो हम उसके यहाँ एंट्री करेंगे कैशबुक के अंडर बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारा यहाँ पर कैशबुक जो है वो क्रेडिट होगा कितने से, 5,000, और एप्लीकेशन का जो रेट था वो ₹4 था। ₹20,000 से जो है यहाँ पर कैशबुक जो है क्रेडिट होगी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी जर्नल में होगी, जो कि होगी एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो शेयर कैपिटल का पैसा है वो यहाँ पर क्रेडिट होगा, और टू शेयर अलॉटमेंट, जो एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन पर हमें रिसीव हुआ था 70,000 शेयर्स थे जो कि अलॉट हुए थे ₹4 के अकॉर्डिंग, 2,80,000 आएगा। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल पे हमने 60,000 शेयर इशू किए थे, तो यहाँ 60,000 × 4 सिर्फ शेयर कैपिटल में 2,40,000 ही जाएगा, रेस्ट जो 40,000 होगा वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा, जो कि 10,000 × 4। इसके बाद जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो होगी हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की। अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अलॉटमेंट पर ड्यू होगी 60,000 शेयर थे, ₹5 का रेट है, 3 लाख से अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी
शेयर कैपिटल में हमारा कितना जाएगा, 60,000 इंटू वन, ओनली 60,000 जो है हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा, एंड द रेस्ट इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम का हमारे 4 रुपये के हिसाब से 2,40,000 क्रेडिट हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद नेक्स्ट एंट्री कैश बुक में होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की। उससे पहले हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे कि अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा रिसीव हुआ। हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम ए। ए को अलॉट हुए थे 1,200 शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स टू ए 1,200 शेयर्स। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। शेयर्स अप्लाइड बाय ए, ऊपर जो टोटल एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी 70,000 की, उसे हम रखेंगे, नीचे टोटल शेयर्स जो थे वो रखेंगे, वही को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,200 शेयर से, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया 1,400 शेयर्स जो ए ने अप्लाई किए थे। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि एक्सेस अमाउंट हमें ए से कितना रिसीव हुआ था। 1,400 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, उसे अलॉट हुए थे 1,200 शेयर्स, तो एक्सेस जो हमारे उसने अप्लाई किया था 200 शेयर्स के लिए किया था, और एप्लीकेशन का रेट था 4 रुपीज़। तो एक्सेस मनी जो पे की थी ए ने वो 800 रुपीज़ की थी एप्लीकेशन के टाइम। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि ए ने कितना अमाउंट पे नहीं किया अलॉटमेंट पर। अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर्स ऑन अलॉटमेंट वन थाउजेंड टू हंड्रेड शेयर्स एंड 5 रुपीज़ का रेट था अलॉटमेंट का, तो यहाँ 6,000 जो अमाउंट ड्यू होगा, इसमें से हम लेस कर देते हैं जो एक्सेस हमें रिसीव हुआ है, एक्सेस रिसीव ऑन एप्लीकेशन जो कि हमें 800 रुपीज़ हुए थे यहाँ पर, तो इसे हम लेस कर देंगे 5,200 शेयर रुपीज़ जो हमें ऐसे रिसीव नहीं हुए। अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम ए ऑन अलॉटमेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ हमें अलॉटमेंट पर। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जो कि है 60,000 शेयर है 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 3 लाख जो है हमारा ड्यू और अलॉटमेंट मनी, इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सेस रिसीव ऑन एप्लीकेशन जो कि 40,000 था। इसके बाद बैलेंस हमारा रहेगा 2,60,000। अब हम इसमें से लेस कर देंगे जो ए ने हमें पेमेंट नहीं की, अमाउंट लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ए ऑन अलॉटमेंट, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 5,200 रुपीज़। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेट अमाउंट आ गया जो कि हमें अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है, जो कि होगा 2,54,000
एंड 800 रुपीज़, इसे हम अब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आया यहाँ? 2,54,800 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू होने की। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होने की जो एंट्री होती है वो होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू होगी? 60,000 शेयर हैं और 2.5 जो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल का रेट है, तो 1,50,000 से हमारी फर्स्ट कॉल जो है ड्यू होगी। अब एंट्री करेंगे हम कैशबुक के अंदर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होने की। कैशबुक जो है हमारा डेबिट होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 57,000 शेयर्स हैं एंड 2.5 जो कि हमारा रेट है शेयर फर्स्ट कॉल का, तो हमें शेयर फर्स्ट कॉल पर जो मनी रिसीव हुई 1,42,500 रुपीज़। यहाँ पर 5,700 शेयर्स क्यों आए, 57,000 शेयर्स क्यों आए? ये क्यों आए? क्योंकि ए ने 1,200 शेयर पर मनी पे नहीं किया है और बी ने 1,800 शेयर पर मनी पे नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर वो लेस कर दिए गए हैं, इसलिए सिर्फ 57,000 शेयर्स ही आए। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी हमारी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू होने की। फाइनल कॉल ड्यू होने की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगी? 60,000 शेयर है, 2.5 पर शेयर रेट है, तो 1,50,000 से ड्यू होगी सेकंड कॉल भी। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव होने की, जो कि कैशबुक के अंडर होगी और इसमें हमारा कैशबुक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने शेयर पर रिसीव हुई? 57,000 शेयर हैं एंड 2.5 पर शेयर रेट है, 1,42,500 रुपीज़ जो हमें रिसीव हुए शेयर फाइनल कॉल पर। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी वो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री होगी और शेयर फॉरफिट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में 30,000 रुपीज़ आएंगे। यहाँ 30,000 क्यों आए? क्योंकि 3,000 शेयर थे और 10 रुपीज़ जो रेट था शेयर का वो है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,800 रुपीज़ जो हमें रिसीव नहीं हुए अलॉटमेंट पर 1,200 शेयर पर 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। शेयर अलॉटमेंट पर जो हमें मनी रिसीव नहीं हुई वो हुई 5,200 रुपीज़। शेयर फर्स्ट कॉल पर 7,000
500 रुपीज़ जो हमें रिसीव नहीं हुए, फाइनल कॉल पर 7,500 रुपीज़, और जो शेयर फॉर फ्यूचर है उसमें आएंगे हमारे 14,600 रुपीज़। शेयर फॉरफिट करने के बाद उन्हें रीइशू किया गया तो उसे अब मनी रिसीव होने की जो एंट्री होगी वो कैशबुक के अंदर होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कैशबुक जो है डेबिट होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगा? 3,000 शेयर्स के ये थे, 10 रुपीज़ का रेट था, इसलिए यहाँ पर 30,000 आएगा, क्योंकि रीइशू किए थे 11 रुपये पर शेयर में, 10 रुपये का शेयर था और 11 रुपये में रीइशू किए गए थे, तो 1 रुपये का यहाँ प्रीमियम हुआ, तो उसे भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू सिक्योरिटीज। प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। थ्री थाउजेंड शेयर जो है रीइशू किए थे और 1 रुपये का प्रीमियम था, तो उसे भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ हम कैशबुक को जो है अब क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस CD 8,52,800 रुपीज़। यहाँ नीचे हम इसका टोटल कर देंगे, टोटल आया 8,72,800 रुपीज़। अब हमारी एक लास्ट जर्नल एंट्री बची है जो कि हमें फॉरफिट करने पर प्रॉफिट हुआ था, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमें शेयर फॉरफिट करने पर 14,600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था जो कि हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।